this channel does not promote or promotion any illegal activities all content provided by this channel is meant only for educational purpose only हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजटिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा राम बनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्सन ड्रामा फिल्म है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की द्वारा निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल जगपति बाबू नासर विनेला, किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खेंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं साउंडिक और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और राम बनम पाँच मई दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई थी जहाँ इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक ही समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अस पड़े राजा राम एक रेशंतरा चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विकी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्वन कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विक्की उन विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते हैं वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रिषद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी की नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे देश से इस रिश्ते को स्वीकार करता है कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रसिद्ध खाक नरमता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जीके फूडर्स का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया मूछों के बारे में महसूस करते हुए विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की तरह उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिसे जी के रच करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य विक्की की हरकतों से अनभिज्ञ कर रहते हैं भैरवी का परिवार हैदराबाद आते है और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बैलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विसरता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की प्रीतिद्वनी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए वी, विक्की बेलू राजू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और के वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाह बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पैसों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रज कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सच है लेकिन जीके और उसके गुंडों की तरह उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते हैं और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं जहां अदालत को जिकी के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदद से जाने की जीके के गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की दर भोजन बनाने के साथ इसलिए कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो नामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जब फिल्म पाँच मई दो को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग चौदह सितंबर दो को नेटफ्लिक्स के माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक की समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है वह बिल्कुल उबाऊ है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस एसता और लिखा राम बनम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दोषियों और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दूसरी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें चुटकुलों भी है सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करती है चाहे वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन अविस्मरणीय की रोमांटिक नंबरों या इसके असंबंध की गलत तरीकों से पेश किए गए भी भारी के रूप से लड़खड़ाते पारित संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओटीटी प्ले की त्रिवर्तन की नादा धूर ने पांच में से दु इस दी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निर्देशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते है दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम बेकन त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की कुम से परे हो एक बिंदु पर एक पत्र मजाक में प्रशंसकर्ता की राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वा वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दूसरियों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बमूसिकल एक स्वाद बोलते हैं कई दूसरों की दर्दनाक के रूप से कृत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालिने की तरह निर्देशन के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कार्यों में जगह की द्वारा गोपी चंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता, पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूल नील की डेस्पेरम की ओंगोल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में, में हुई उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु गोपी चंद उस समय के रूप थे और विजय संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्द की चिकित्सा अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक ही दोनों की फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग की मॉड्यूलेशन फ्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी की कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपदपति के करीबी दोस्त जो तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुखी पोर्कशन हाउस मूवी किएस के मालिक हैं गोपी चंद ने मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वालापू से की उन्होंने अपनी अगली ही फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में अपने प्रदर्शन की प्रति सकारात्मक की स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में याग्नम और 2005 में अंतरूडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया दो में उन्होंने दो हज़ार छः में उन्होंने वैसाही के रूप से रनम की और वैसाही के रूप से असफल की राजू में अभिनय किया उनकी दो हज़ार सात में ओकाडो नार्डो और लक्ष्य और दो हजार आठ में ऑनटारी और सौरियम रिलीज हुई उन्होंने 2009 में रिलीज संगम के लिए सौरम निर्देशक शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी की दया नमक से प्रीत एक मोटभेट की विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मोगोरू और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से सफल रही दो में उन्होंने एक्शन एंड फिल्म की स्वास्थ्य के लिए निर्देशक चंद्रशेखर गिलेटी ओका डोनारो के बाद के साथ फिर से काम किए जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने लौकी में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई दो हजार पंद्रह में उन्होंने झील और शौखिया में अभिनय किया दो में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो व्यवसाय के रूप से अस्फ रही उनकी अगली फिल्म आरा दुगुला ब्लेड उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन 2021 तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित ड्रामा साबित हुई जिसे एक और झटका लगा 2018 में उन्होंने पैंताल में एक विजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी 25वीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चकना की की में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो हजार की तंग संपन्न की नंदी उनकी सीता मार की तरह को उनकी समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफरी फिल्म कलाकार तमन्ना दिंग की सूर्यवंशी भूमिका चावला उन्होंने एक अनय की फिल्म पक्का कर्मशियल पर भी काम किया जो मारुति की दर और यूके सेंस और जीए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में राष्ट्रीय खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म रामपनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी जा फिल्म की या फिल्म रामपनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी या फिल्म त्रिवास और गोपीचंद की हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है और जो गोपी जैन तीसवीं फिल्म भी है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तुंग में हुआ था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकांत की भतीजी रेशमा से शादी की और दपंरी की दो बेटी है हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी, ना भी बनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक सन्द्रामा फीम है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की द्वारा निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल हयाथी जगपति बाबू नासर विनेला किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं साउंडिक और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और रामवनम पाँच मई दो हजार तेईस को रिलीज हुई थी जहाँ इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अस राजा राम एक रेसंतरा चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विक्की और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्ण कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विक्की उन विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रीसद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी की नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे देश से इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रसिद्ध खाक नर्मता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जी के का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया मूछों के बारे में महसूस करते हुए विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की द्वारा उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिसे जी के रच करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य विक्की की हरकतों से अनभिज्ञ कर रहे थे भैरवी का परिवार हैदराबाद आते और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बैलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विसरता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की प्रतिद्वन्नी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए वी, विक्की बैलू राजू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और की वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाह बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पैसों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रज कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सक्षम है लेकिन जीके और उसके गुंडों की तरह उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते हैं और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं अदालत को जीके के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदद से जाने की जीके के गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की तरह भोजन बनाने के साथ इसलिए कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो कबुलनामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जो फिल्म पाँच मई दो तेईस को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग चौबीस सितंबर दो हजार तेईस को नेटफ्लिक के माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक की समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है वह बिल्कुल उबाऊ है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा राम बनम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दोषियों और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के भवानुस चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें विचित्र चुटकुलों भी है सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करते हैं चाहे वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन आवेश मरने की, की गलत तरीकों से पेश किए गए भी भारी के रूप से पारित संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओ टी टी प्ले की त्रिवेशन की नादा धूर ने पांच में से दु स्टार तारी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निर्देशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम वेक त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की कुम से परे हो एक बिंदु पर एक पत्र मजाक में प्रशंसकर्ता की राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दूसरियों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बम एक स्वाद बोलते हैं कई की दर्दनाक से कृत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालिनी की तरह निर्देशन के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कार्यों में जागियम की द्वारा गोपी का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूली सिंह नील की डेस्पेरम की ओंगोल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में, में हुई उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु गोपी चंद उस समय के रूप थे और विजय संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्द की चिकित्सा अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक ही दोनों की फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग की मॉड्यूलेशन फ्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी की कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपदपति के करीबी दोस्त जो तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुखी पोर्कसन हाउस मूवी किएस की मालिक हैं गोपी चंद ने मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वालापू से की उन्होंने अपनी अगली ही फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में अपने प्रदर्शन की प्रति सकारात्मक की स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 दो में याग्नम और 2005 में अंतरूडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया दो में उन्होंने दो हज़ार छः में उन्होंने वैसाही के रूप से रनम की और वैसाही के रूप से असफल के राजू में अभिनय किया उनकी दो हज़ार सात में ओकाडो नार्डो और लक्ष्य और दो हजार आठ में ऑनटारी और रिलीज हुई उन्होंने 2009 में रिलीज संखम के लिए सौरम निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी की, पुलिस की दया नमक से प्रीत एक मोटभेट की विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मोगोरू और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से सफल रही दो में उन्होंने एक्शन एंड फिल्म की सश्रम के लिए निर्देशक चंद्रशेखर गिलेटी ओका डोनारो के बाद के साथ फिर से काम किए जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसाय के रूप से सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने लौकी में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई 2015 में उन्होंने झील और में अभिनय किया दो में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से असफ उनकी अगली फिल्म आरा दुगुला ब्लेड उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन 2021 तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित ड्रामा साबित हुई जिसे एक और झटका लगा 2018 में उन्होंने पैंताल में एक विजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो में उन्होंने चकना की की में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो की तंग संपन्न की नंदी के उनकी सीता मार की एक्शन फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफरे फिल्म कलाकार तमन्ना दिंग गन्ना की सूर्यवंशी भूमिका चावला उन्होंने एक आने की फिल्म पक्का कर्मशियल पर भी काम किया जो मारुति की धरा निदेशी और यू क्रिएशंस और जीए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी जब फिल्म की या फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी या फिल्म त्रिवास और गोपीचंद की हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है और जो गोपी चंद तीसवीं फिल्म भी है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तुंगतुर में हुआ था उन्होंने दो हज़ार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकांत की भतीजी रेशमा से शादी की और दपंरी की दो बेटी है हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी राम बनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक सन राम में है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की द्वारा निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल जगपति बाबू नासर विनेला, किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खिंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं सामिक और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और रामवनम पाँच मई 2023 तेईस को रिलीज हुई थी जहां इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक ही समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अर्श राजा राम एक रेशंतरा चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विकी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्ण कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विक्की उन में विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते हैं वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रिषद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी की नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे देश से इस रिश्ते को स्वीकार करता है कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रसिद्ध खाक नर्मता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जीके फूडर्स का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया है मूछों के बारे में महसूस करते हुए विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की तरह उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिसे जी के रच करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के की खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य विक्की की हरकतों से अनभिज्ञ कर रहे थे भैरवी का परिवार हैदराबाद आते है और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बैलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विसलता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की प्रीतिद्वनी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए वी, विक्की बेलू राजू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और के वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाब बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पैसों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रज कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सक्षम है लेकिन जीके और उसके गुंडों की तरह उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते हैं और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं जहां अदालत को जीकी के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदद से जाने की जीके की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की दर भोजन बनाने के साथ इसलिए की भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो नामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जब फिल्म पाँच मई 2023 को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग 4 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक की समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है वह बिल्कुल उबाऊ है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा राम बनम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दूसरी और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दूसरी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के भवानुस चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें विचित्र भी है। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करती है चाहे वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन अविस्मरणीय की रोमांटिक नंबरों या इसके असंबंध की गलत तरीकों से पेश किए गए भी भारी के रूप से लड़खड़ाते पारित संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओटीटी प्ले की त्रिवर्तन की नादा धूर ने पांच में से दु इस तारी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निर्देशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते है दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम वेक त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की कुम से परे हो एक बिंदु पर एक पत्र मजाक में प्रशंसकर्ता की राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वा वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दूसरियों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बमूसिकल एक स्वाद बोलते हैं कई दूसरों की दर्दनाक के रूप से कुत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालीने की तरह निर्देशन के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कार्यों में जागेम की द्वारा गोपी चंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूल से नील की डेस्पेरम की ओंगोल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में, में हुई उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु गोपी चंद उस समय की रूप थी और विजय संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्द की चिकित्सा अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक ही दोनों की फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग की मॉड्यूलेशन फ्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी की कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपति के करीबी दोस्त जो तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुखी पोर्कसन हाउस मूविकेश्स के मालिक हैं गोपी चंद ने मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वलापू से की उन्होंने अपनी अगली ही फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में अपने प्रदर्शन की प्रति सकारात्मक की स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में याग्नम और 2005 में अंतरूडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया दो में उन्होंने दो में उन्होंने वैसाही के रूप से रनम की और वैसाही के रूप से असफल की राजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओकाडो नार्डो और लक्ष्य और 2008 में ऑनटारी और रिलीज हुई उन्होंने 2009 में रिलीज संखम के लिए सौरम निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की पुलिसकर्मी की दया नमक से प्रीत एक मुठभेट की विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मोगोरू और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से सफल रही दो में उन्होंने एक्शन एंड फिल्म की सासम के लिए निर्देशक चंद्रशेखर गिलेटी ओका डोनारो के बाद के साथ फिर से काम किए जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने लौकी में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई दो हजार पंद्रह में उन्होंने झील और शौखिया में अभिनय किया 2017 में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो व्यवसाय के रूप से असफल रही उनकी अगली फिल्म आरा उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन 2021 तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित ड्रामा साबित हुई जिसे एक और झटका लगा 2018 में उन्होंने पैंताल में एक विजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी 25वीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चकना की की में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो हजार की तंग संपन्न की नंदी निदेशी उनकी समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफरी फिल्म कलाकार तमन्ना दिंग की सूर्यवंशी भूमिका चावला उन्होंने एक अनय की फिल्म पक्का कर्मशियल पर भी काम किया जो मारुति की तरह और यूई क्रिएशंस और जी टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में राष्ट्रीय खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म रामपनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी जब फिल्म की या फिल्म रामपनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी या फिल्म त्रिवास और गोपी की हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है और जो गोपी चंद तीसवीं फिल्म भी है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तुंग में हुआ था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकांत की भतीजी रेशमा से शादी की और दपंडी की दो बेटी है हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी रामवनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक सन्द्रामाफीम है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की द्वारा निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल हयाथी जगपति बाबू नासर विनेला किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और रामवनम पाँच मई दो हजार तेईस को रिलीज हुई थी जहाँ इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अस पड़े राजा राम एक रेसंतरा चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विक्की और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्वन कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विक्की उन विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रिषद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी की नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे दिल से इस रिश्ते को स्वीकार करता है कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रसिद्ध खाक नर्मता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जी के का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराए गए और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया मूछों के बारे में महसूस करती हुई विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की द्वारा उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिसे जी के रच करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था। राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य की हरकतों से अन भी कर रहती है भैरवी का परिवार हैदराबाद आते और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बैलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विसरता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की प्रीति डनी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए विक्की बैलू राजू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और की वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाह बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पेशों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रश कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सक्षम है लेकिन जीके और उसके गुंडों की तरह उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते हैं और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं जहां अदालत को जीके के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदर से जाने की जीके गति की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की दर भोजन बनाने के साथ इसलिए कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो कबुलनामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत मिकी जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जो फिल्म पाँच मई दो को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग 4 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स की माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक की समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है वह बिल्कुल उबाऊ है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस स्टार तारे और लिखा राम बनम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दूसरी और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दूसरी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के भवानुस चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें विचित्र चुटकुलों भी है सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करते हैं चाहे वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन अविस्मरण की रोमांटिक नंबर हो या इसके असम्बन की गलत तरीकों से पेश किए गए विरोध राम बन भी भारी के रूप से लड़खड़ाते हैं पर पारित संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओ प्ले की त्रिवसन की नादा ने पांच में से दु स्टार तारी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निर्देशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम वेक त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की मता से परे हो एक बिंदु पर एक पत्रा मजाक में प्रशंसकर्ता की राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वा वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दूसरों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बमूसिकल एक स्वाद बोलते हैं कई दूसरों की दर्दनाक के रूप से कृत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालिनी की तरह निर्देशन के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कायरों में जागरम की धारा गोपी का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूली सिंह नील की डेस्पेरम की ओंगोल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में, में हुई उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु गोपी चंद उस समय के रूप थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्द की चिकित्सा अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक ही दोनों की फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग की मॉड्यूलेशन फ्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी की कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उद्योगपति के करीबी दोस्त जो तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुख की पोर्केशन हाउस मूवी सेंस की मालिक हैं गोपी चंद ने मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वालापू से की उन्होंने अपनी अगली ही फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में अपने प्रदर्शन की प्रति सकारात्मक की स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में याग्नम और 2005 में अंतरूडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया दो में उन्होंने दो हज़ार छः में उन्होंने वैसाही के रूप से रनम की और वैसाही के रूप से असफल की राजू में अभिनय किया उनकी दो हज़ार सात में ओकाडो नार्डो और लक्ष्य और दो हजार आठ में ऑनटारी और रिलीज हुई उन्होंने 2009 में रिलीज संगम के लिए सौरम निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की, की पुलिसकर्मी की दया नमक से प्रीत एक मुठभेट की विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मोगुरु और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से सफल रही दो में उन्होंने एक्शन एंड फिल्म की शासम के लिए निर्देशक चंद्रशेखर गिलेटी ओका डोनारो के बाद के साथ फिर से काम किए जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो हज़ार चौदह में उन्होंने लौकी में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई दो हजार पंद्रह में उन्होंने झील और सौखिया में अभिनय किया दो में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो वैसाई के रूप से अस्प रही उनकी अगली फिल्म आरा दुगुला ब्लेड उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन दो तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित ड्रामा साबित हुई जिसे एक और झटका लगा 2018 में उन्होंने पैंताल में एक विजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी 25वीं फिल्म थी दो में उन्होंने चकना की चानकिया में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो की तंग संपन्न की नंदी के उनकी सीता मार की एक्शन फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफर फिल्म कलाकार तमन्ना दिंग गन्ना की सूर्यवंशी भूमिका चावला उन्होंने एक आने की फिल्म पक्का कमर्शियल पर भी काम किया जो मारुति की धरा निदेशी और यूई क्रिएशंस और जी टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित जिसमें मुख्य नायिका के रूप में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी जब फिल्म की या फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी या फिल्म त्रिवास और गोपी की हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है और जो गोपी जैन तीसवीं फिल्म भी है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तुंगतुर में हुआ था उन्होंने दो हज़ार में तेलुगु अभिनेता त्रिकांत की भतीजी रेशमा से शादी की और दपंरी की दो बेटी है हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना राम बनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्सन रामाफिल है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की द्वारा निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल हयाथी जगपति बाबू नासर विनेला, किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खेंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं साउंडिक और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और रामवनम पाँच मई 2023 को रिलीज हुई थी जहां इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अर्श राजा राम एक रेशंतरा चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विकी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्वन कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विक्की उन में विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते हैं वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रिषद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी की नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे देश से इस रिश्ते को स्वीकार करता है कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रसिद्ध खाक नर्मता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जीके फूडर्स का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया मूछों के बारे में महसूस करते हुए विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की तरह उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिसे जी के रच करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य विक्की की हरकतों से अनभिज्ञ कर रहे थे भैरवी का परिवार हैदराबाद आते है और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बैलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विसलता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की दनी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए वी, विक्की बैलू राजू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और के वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाह बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पैसों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रज कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सक्षम है लेकिन जीके और उसके गुंडों की तरह उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं अदालत को जीकी के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदद से जाने की जीके के गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की दर भोजन बनाने के साथ इसलिए कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो नामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जब फिल्म पाँच मई 2023 को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग 4 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक की समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है वह बिल्कुल उबाऊ है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा राम बनम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दोषियों और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के भवानु चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की, की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें विचित्र चुटकुलों भी है सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करती है चाहे वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन अविस्मरणीय की रोमांटिक नंबरों हो या इसके असंबंध की गलत तरीकों से पेश किए गए भी भारी के रूप से लड़खड़ाते परपात संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओटीटी प्ले की त्रिवर्तन की नादा धूर ने पांच में से दु स्टार तारी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निर्देशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते है दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम वेकन त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की कुम से परे हो एक बिंदु पर एक पत्र मजाक में प्रशंसकर्ता की राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दूसरियों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बमूसिकल एक स्वाद बोलते हैं कई दूसरों की दर्दनाक के रूप से कृत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालिनी की तरह निर्देशन हिस के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कार्यों में जगेम की धारा गोपी चंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूल से नील के डेसपेरम की ओंगोल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में, में हुई उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु गोपी चंद उस समय की रूप थी और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्द की चिकित्सा अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक ही दोनों की फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग की मॉड्यूलेशन फ्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी की कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपति के करीबी दोस्त जो तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुखी पोर्केशन हाउस मूवी सेंस की मालिक है गोपी चंद ने मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वलापू से की उन्होंने अपनी अगली ही फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में अपने प्रदर्शन की प्रति सकारात्मक की स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 दो में यागनम और 2005 में अंतरूडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया दो में उन्होंने दो हज़ार छः में उन्होंने वैसाही के रूप से रनम की और वैसाही के रूप से असफल की राजू में अभिनय किया उनकी दो हज़ार सात में ओकाडो नार्डो और लक्ष्य और दो हजार आठ में ऑनटारी और सोरियम रिलीज हुई उन्होंने 2009 में रिलीज संखम के लिए सौरम निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज गोली मार में उन्होंने वास्तविक जीवन की, की पुलिसकर्मी की दया नमक से प्रीत एक मोटभेट की विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मोगोरू और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से सफल रही दो में उन्होंने एक्शन एंड वेज फिल्म की सासम के लिए निर्देशक चंद्रशेखर गिलेटी ओका डोनारो के बाद के साथ फिर से काम किए जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो में उन्होंने लौकी में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई 2015 में उन्होंने जील और सौखिया में अभिनय किया तथात्री में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो वैसाई के रूप से असफल रही उनकी अगली फिल्म आरा दुगुला ब्लेड उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन 2021 तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित ड्रामा साबित हुई जिसे एक और झटका लगा 2018 में उन्होंने पेंटा में, उन्हों में एक की भूमिका निभाई जो उनकी निभाईसवीं फिल्म थी उन्नीस में उन्होंने चकना की चनकिया में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो की तंग संपन्न की नंदी के ने की तरह निदेशी उनकी स्पोर्ट एक्शन फिल्म सीता मार को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफरे फिल्म कलाकार तमन्ना दिंग गना की सूर्यवंशी भूमिका चावला उन्होंने एक अनय की फिल्म पक्का कर्मसियल पर भी काम किया जो मारुति की द्वारा निर्देशित और यू के और जी ए टू पिक्चर्स की द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायकों के रूप में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म रामपुरम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी जब फिल्म की यह फिल्म रामपनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी यह फिल्म त्रिवास और गोपी चंद की हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है और जो गोपी चंद तीसवीं फिल्म भी है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तुंगतुर में हुआ था उन्होंने दो में तेलुगु अभिनेता त्रिकांत की भतीजी रेशमा से शादी की और दपंडी की दो बेटी है हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना लेगा रामवनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक फिल्म है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की द्वारा निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल हयाथी जगपति बाबू नासर विनेला किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और बनम पाँच मई दो हजार तेईस को रिलीज हुई थी जहाँ इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अस पड़े राजा राम एक रेसंतरा चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विक्की और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्वन कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विक्की उन विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रिषद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी के नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे देश से इस रिश्ते को स्वीकार करता है कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रसिद्ध खाक नरमता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जीके फूडर्स का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराए गए और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया मूछों के बारे में महसूस करते हुए विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की द्वारा उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिसे जी के रच करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य विक्की की हरकतों से अनभिज्ञ कर रहते हैं भैरवी का परिवार हैदराबाद आते है और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बैलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विसरता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की प्रीतिद्वनी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए वी, विक्की बैलू राजू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और के वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाह बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पैसों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रज कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सक्षम है लेकिन जीके और उसके गुंडों की तरह उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते हैं और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं जहां अदालत को जीके के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदद से जाने की जीके की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की दर भोजन बनाने के साथ इसलिए कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो कबूलनामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जो फिल्म पाँच मई दो को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग 4 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स की माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक की समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है उबा है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस एसता और लिखा राम बनम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दोषियों और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दूसरी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के भवानुस चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें विचित्र चुटकुलों भी है सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करते हैं चाहे वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन आवेश मारने की रोमांटिक नंबरों या इसके की गलत तरीकों से पेश किए गए भी भारी के रूप से लड़खड़ाते पर पारित संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओटीटी प्ले की त्रिवर्सन की नादा धूर ने पांच में से दु इस तारी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निरेशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम वेक त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की कुम से परे हो एक बिंदु पर एक पत्रा मजाक में प्रशंसकर्ता की राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वा वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दोषियों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बमूसिकल एक स्वाद बोलते हैं कई दूसरों की दर्दनाक के रूप से कुत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालिनी की तरह निर्देशन के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कायरों में जाग्यम की धारा गोपी का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता, पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूली सिंह नील के डेस्पेरम की उंगुल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में, में हुई उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु गोपी चंद उस समय के रूप थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्द की चिकित्सा अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक ही दोनों की फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग की मॉड्यूलेशन फ्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी की कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपदपति के करीबी दोस्त जो तेलुगु सिनेमा के एक की पोर्कशन हाउस मूवी सेंस की मालिक हैं गोपी चंद ने मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वालापू से की उन्होंने अपनी अगली ही फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में अपने प्रदर्शन की प्रति सकारात्मक की स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में याग्नम और 2005 में अंतरूडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया दो में उन्होंने दो हज़ार छः में उन्होंने वैसाही के रूप से रनम की और वैसाही के रूप से असफल की राजू में अभिनय किया उनकी दो हज़ार सात में ओकाडो नार्डो और लक्ष्य और दो हजार आठ में ओंटारी और रिलीज हुई उन्होंने 2009 में रिलीज संखम के लिए सौरम निर्देशक शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज गोली मार में उन्होंने वास्तविक की जीवन की पुलिसकर्मी की दया नमक से प्रीत एक मोटभेट की विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मोगोरू और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से सफर रही दो में उन्होंने एक्शन एंड फिल्म की शासन के लिए निदेशक चंद्रशेखर ओका डोनारो के बाद के साथ फिर से काम किए जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो हज़ार चौदह में उन्होंने लौकी में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई दो हजार पंद्रह में उन्होंने झील और शौखिया में अभिनय किया दो में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो व्यवसाय के रूप से उनकी अगली फिल्म आरा दुगुला ब्लेड उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन 2021 तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित ड्रामा साबित हुई जिसे एक और झटका लगा 2018 में उन्होंने पैंतावे में एक विजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी 25वीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चकना की की में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो की तंग संपन्न की नंदी की मार को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफरे फिल्म में कलाकार तमन्ना दिंग की सूर्यवंशी भूमिका चावला उन्होंने एक आने की फिल्म पक्का कर्मशियल पर भी काम किया जो मारुति की धरा निदेशी और यू क्रिएशंस और जीए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी जिसमें मुख्य नायिका के रूप में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी जब फिल्म की या फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी या फिल्म त्रिवास और गोपी की हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है और जो गोपी जैन तीसवीं फिल्म भी है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तुंगतुर में हुआ था उन्होंने दो हजार में तेलुगु अभिनेता त्रिकांत की भतीजी रेशमा से शादी की और दपंरी की दो बेटी है हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना राम बनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की ड्रामा फिल्म है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की तरह निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल हयाथी जगपति बाबू नासर विनेला किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खेंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं सामिक और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और रामवनम पाँच मई 2023 को रिलीज हुई थी जहां इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अर्ज राजा राम एक रिसंतराज चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विकी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्वन कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विक्की उन में विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते हैं वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रिषद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी के नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे देश से इस रिश्ते को स्वीकार करता है कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रसिद्ध खाक नर्मता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जीके फूडर्स का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया मूछों के बारे में महसूस करती हुई विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की तरह उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिसे जी के रज करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य विक्की की हरकतों से अनभिक कर रहे थे भैरवी का परिवार हैदराबाद आते और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बेलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विश्ता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की प्रतिद्वन्नी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए विक्की बैलू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और की वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाब बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पेशों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रज कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सक्षम है लेकिन जीके और उसके गुंडों की तरह उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते हैं और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं जहां अदालत को जीके के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदद से जाने की जीके गति की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की द्वारा भोजन बनाने के साथ इसलिए कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो नामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जब फिल्म पाँच मई 2023 को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग चौबीस सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है वह बिल्कुल उबाऊ है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस दिए और लिखा राम बनम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दूसरी और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के भवानु चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें विचित्र चुटकुलों भी है सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरू कुरी ने पांच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करती है चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन आविश की रोमांटिक नंबरों हो या इसके असंबंध की गलत तरीकों से पेश किए गए बनापन भी भारी के रूप से लड़खड़ाते पारित संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओटीटी प्ले की त्रिवर्तन की नादा धूर ने पांच में से दु स्टार तारी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निर्देशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते है दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम बेकन त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की कुम से परे हो एक बिंदु पर एक पत्र मजाक में प्रशंस करता कि राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वा वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दूसरियों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बमूसिकल एक स्वाद बोलते हैं कई दूसरों की दर्दनाक के रूप से कृत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालिनी की तरह निर्देशन के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कार्यों में जगेम की धारा गोपी चंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता, पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूल सिंह नील के डेस्पेरम की ओंगोल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में, में हुई उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु गोपी चंद उस समय की रूप थे और विजय संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्द की चिकित्सा अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक ही दोनों की फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग की मॉड्यूलेशन फ्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी की कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपदपति के करीबी दोस्त जो तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुखी पोर्कसन हाउस मूवी सेंस के मालिक हैं गोपी चंद ने मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वलापू से की उन्होंने अपनी अगली ही फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में अपने प्रदर्शन की प्रति सकारात्मक की स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में यागनम और 2005 में अंतरूडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया दो में उन्होंने दो हज़ार छः में उन्होंने वैसाही के रूप से रनम की और वैसाही के रूप से असफल की राजू में अभिनय किया उनकी दो हज़ार सात में ओकाडो नार्डो और लक्ष्य और दो हजार आठ में ऑनटारी और रिलीज हुई उन्होंने 2009 में रिलीज संखम के लिए सौरम निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज गोली मार में उन्होंने वास्तविक की जीवन की पुलिसकर्मी की दया नमक से प्रीत एक मोटभेट की विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मोगोरू और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों व्यवसायिक के रूप से सफल रही दो में उन्होंने एक्शन एंड फिल्म की के लिए निर्देशक चंद्रशेखर गिलेटी ओका डोनारो के बाद के साथ फिर से काम किए जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने लौकी में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई दो हजार पंद्रह में उन्होंने झील और शौखिया में अभिनय किया दो में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो व्यवसाय के रूप से ही उनकी अगली फिल्म दुगुला ब्लेड उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन दो तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित ड्रामा साबित हुई जिसे एक और झटका लगा 2018 में उन्होंने पैंताल में एक विजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी 25वीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने, उन्होंने चकना की की में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो की तंग संपन्न की नंदी के दरा की तरह निर्देशी उनकी एक्शन फिल्म सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफरी फिल्म कलाकार तमन्ना दिंग की सूर्यवंशी भूमिका चावला उन्होंने एक अनय की फिल्म पक्का कर्मशियल पर भी काम किया जो मारुति की दर निरी और यूके साइंस और जीए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित थी, जिसमें मुख्य नायिका के रूप में राष्ट्रीय खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म रामपनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी जा फिल्म की या फिल्म रामपनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी या फिल्म त्रिवास और गोपीचंद के हैट्रिक संयोजन की है वापसी का प्रतीक है और जो गोपी चंद तीसवीं फिल्म भी है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तुंग में हुआ था उन्होंने दो हजार तेरह में तेलुगु अभिनेता त्रिकांत की भतीजी रेशमा से शादी की और दपंडी की दो बेटी है हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना बनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक सन ड्रामा फिल्म है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की द्वारा निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल हयाथी जगपति बाबू नासर विनेला किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खेंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं साउंड और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और बनम पाँच मई दो हजार तेईस को रिलीज हुई थी जहाँ इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अस पड़े राजा राम एक रेसंतरा चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विक्की और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्वन कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विक्की उन में विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रिषद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी की नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे देश से इस रिश्ते को स्वीकार करता है कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रसिद्ध खाक नर्मता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जीके फूडर्स का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराए गए और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया मूछों के बारे में महसूस करते हुए विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की द्वारा उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिससे जी के रच करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य विक्की की हरकतों से अनभिज्ञ कर रहे थे भैरवी का परिवार हैदराबाद आते है और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बैलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विसलता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की प्रीतिद्वनी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए वी, विक्की बैलू राजू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और के वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाह बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पैसों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रज कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सक्षम है लेकिन जीके और उसके गुंडों की दर उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते हैं और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं जहां अदालत को जीके के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदद से जाने की जीके की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की दर भोजन बनाने के साथ इसलिए कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो कबूलनामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जब फिल्म पाँच मई दो को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग 4 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स के माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक की समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है वह बिल्कुल उबाऊ है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा राम बनम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दूसरी और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दूसरी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के भवानुस चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें विचित्र चुटकुलों भी है सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करते हैं चाहे वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन आवेश मारने की रोमांटिक तरीकों से पेश किए गए भी भारी के रूप से पर पारित संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओटीटी प्ले की त्रिवर्सन की नादा धूर ने पांच में से दुई इस तारी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निरेशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम वेक त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की कुम से परे हो एक बिंदु पर एक पत्रा मजाक में प्रशंसा करता कि राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वा वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दोषियों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बमूसिकल एक स्वाद बोलते हैं कई की के से कृत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालीने की तरह निर्देशन के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कायरों में जाग्यम की द्वारा गोपी का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूल से नील की डेस्पेरम की उंगुल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में हुए उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु गोपी चंद उस समय के रूप थे और वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके उनकी एक छोटी बहन भी है जो एक दर्द की चिकित्सा अपनी इंजीनियरिंग की पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक ही दोनों की फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग की मॉड्यूलेशन फ्रोस किया वह प्रभाष वी वामसी की कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपति के करीबी दोस्त जो तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुखी पोर्कसन हाउस सेंस की मालिक हैं गोपी चंद ने मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत फिल्म थोली वाला से की उन्होंने अपनी अगली ही फिल्मों जयम निजाम और वर्षा में नकारात्मक की भूमिका निभाई जयम में अपने प्रदर्शन की प्रति सकारात्मक की स्वागत के बाद उन्होंने उसी शीर्षक की फिल्म की तमिल भाषा की रीमेक में अपनी भूमिका दोहराई उन्होंने 2004 में याग्नम और 2005 में अंतरूडू फिल्मों के साथ नायक के रूप में फिर से प्रवेश किया दो में उन्होंने 2006 में उन्होंने वैसाही के रूप से रनम की और वैसाही के रूप से असफल के राजू में अभिनय किया उनकी 2007 में ओकाडो नार्डो और लक्ष्य और 2008 में ओंटारी और रिलीज हुई उन्होंने 2009 में रिलीज संखम के लिए सौरम निर्देशन शिवा के साथ एक बार फिर काम किया उनकी 2010 की रिलीज गोली मार में उन्होंने वास्तविक की की जीवन की पुलिस की दया नमक से प्रीत एक मुठभेट की विशेष की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने मोगुरु और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दोनों वैसायिक के रूप से सफर रही दो में उन्होंने एक्शन एंड फिल्म की सासम के लिए निदेशक चंद्रशेखर गिलेटी ओका डोनारो के बाद के साथ फिर से काम किए जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म बन गई दो हज़ार चौदह में उन्होंने लौकी में अभिनय किया जो व्यवसायिक के रूप से उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई दो हजार पंद्रह में उन्होंने झील और शौखिया में अभिनय किया दो में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया जो वैसाई के रूप से अस्प रही उनकी अगली फिल्म आरा दुगुला ब्लेड उसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन दो हजार तक रिलीज नहीं हो पाई यह एक नियमित ड्रामा साबित हुई जिसे एक और झटका लगा 2018 में उन्होंने पैंतावे में एक विजिलेट की भूमिका निभाई जो उनकी 25वीं फिल्म थी दो में उन्होंने चकना की जानकिया में एक जासूस की भूमिका निभाई सितंबर दो इक्कीस की तंग संपन्न की नंदी की दरानी उनकी फिल्म सीता मार को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफरे फिल्म कलाकार तमन्ना दिंग गन्ना की सूर्यवंशी भूमिका चावला उन्होंने एक आने की फिल्म पक्का कर्मसियल पर भी काम किया जो मारुति की दरानिदेश और यू क्रिएशंस और जीए टू पिक्चर्स के द्वारा निर्मित जिसमें मुख्य नायिका के रूप में राशि खाना थी त्रिवास की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी जब फिल्म की या फिल्म राम बनम की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी या फिल्म त्रिवास और गोपी चंद हैट्रिक संयोजन की है वापसी का प्रतीक है और जो गोपी चंद तीसवीं फिल्म भी है उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश की तुंगतुर में हुआ था उन्होंने दो में तेलुगु अभिनेता त्रिकांत की भतीजी रेशमा से शादी की और दपंरी की दो बेटी है हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर स्टार गोपी चंद गोपी चंद की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राम बनम तो दोस्तों अगर आप भी गोपी चंद की फैन हो और अगर आप राम बनम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी राम बनम एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्सन ड्रामा फिल्म है जो भूपति राजा की द्वारा लिखी गई कहानी पर त्रिवास की तरह निर्देशित है इसमें गोपी चंद डिम्पल हयाथी जगपति बाबू नासर विनेला किशोर तरुण अरोड़ा और सचिन खेंडेकर जैसे कि कलाकार शामिल हैं एक और बैकग्राउंड स्कोर मिकी जे मेयर की द्वारा रचित थे और रामवनम पाँच मई 2023 को रिलीज हुई थी जहाँ इसे समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अस राजा राम एक रिसंतरा चलाता है जो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी छोटे भाई विक्रम विकी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रहता है जबकि राजा राम एक शांतिपूर्ण कानून का पालन करने वाली जीवन शैली में विश्वास करते हैं विकी उन शिष्टियों में विद्रोही है जहां उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है पापा राव नमक की एक प्रतिद्वंदी रे मालिक के साथ असहमति के बाद विक्की ने परंपराओं के घर को जला दिया जहां राजा राम विक्की को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते इसके परिणामस्वरूप विक्की और अपने गृहनगर से कोलकाता भाग जाते हैं वर्षों बाद विक्की अपनी दर्तक पिता गुप्त के अधीन कोलकाता में एक प्रिषद की गैंगस्टर है और उससे भैरवी के नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है हालांकि भैरवी के पिता ने इस मिलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि विक्की एक अनाथ है विक्की भैरवी को अपने परिवार से मिलाने के लिए हैदराबाद ले जाता है एक गैंगस्टर के रूप में विक्की की सृष्टि से अनजान होने और वर्षों बाद उसकी वापसी पर खुशी मानते हुए परिवार पूरे देश से इस रिश्ते को स्वीकार करता है कि इस मोड़ पर की विक्की को पता चलता है कि उसका परिवार एक प्रेसित खाक नर्मता और परंपराओं की दमाद जीके की खतरे में है जीके का राजा राम के साथ विवाद है जिसने सौर्यजनिक रूप से जीके फूडर्स का अपमान किया था और संगठन में मिलावट प्रथाओं को उजागर करने का प्रयास किया था प्रेतिशोध में जीके ने राजा राम की द्वारा एक अनाथले को दान किए गए भोजन के एक बैच को जहर देने की साजिश रची जिसे इसे खाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे राजा राम को किसी भी समय जेल जाने का खतरा लेकिन उसने परिवार को विक्की के सामने मुखौटा बनाए रखने का निर्दोष दिया मूछों के बारे में महसूस करते हुए विक्की ने जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे जीके की तरह उत्पन्न विभिन्न बधावों को दूर करना शुरू कर दिया जिसमें राजा राम की बेटी की शादी को फिर से शुरू करना भी शामिल था जिसे जी के रच करने में कामयाब रहा था और साथ ही परिवार के खिलाफ किए गए कई हमलों को विफल कर दिया था राजा राम और परिवार की बाकी सदस्य विक्की की हरकतों से अनभिज्ञ कर रहे थे भैरवी का परिवार हैदराबाद आते हैं और विक्की के साथ उसकी सगाई तय कर देता है विक्की बैलू राजू के करीब आता है जो उनका परिवार सहयोगी और जीके के जीके का पेरोल जो बच्चों के द्वारा खाए गए भोजन में विश्ता के लिए भी जिम्मेदार था हालांकि जीके बैलू राजू को मारने के लिए विक्की की धनी मुखर्जी को लाता है मुखर्जी के गुंडों को विफल करते हुए वी, विक्की बेलू राजू को बचाने में असमर्थ है जो विक्की से वादा करने और के वादा करने के बावजूद मर जाता है कि वह सरकारी गवाह बन जाएगा लड़ाई राजा राम की द्वारा देखी जाती है जिसे विक्की ने असली पैसों का पता चलता है कि उसने विक्की को घर से निकाल दिया और सारी रच कर दी अदालत की सुनवाई के दिन जीके ने राजा राम को भगोड़ा बनाने और उन सभी को मारने के इरादे से अस्पताल से राजा राम और बच्चों का उपहारण कर लिया विक्की राजा राम का पता लगाने में सक्षम है लेकिन जीके और उसके गुंडों की तरह उसे वश में कर लिया जाता है वह महसूस करती हुई कि विक्की उन विक्की ने उनके लिए क्या किया है राजा राम जवाबी की कार्रवाई करते और बच्चों को बचाते हुए विक्की को गुंडों से लड़ने में मदद करता है और अदालत में पहुंचते हैं अदालत को जीकी के संगठन में काम करने वाले एक ही वैज्ञानिक की मदद से मदद से जाने की जीके की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और जीके की द्वारा भोजन बनाने के साथ इसलिए कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनैतिक तरीकों के साथ साथ उनकी मृत्यु से पहले बैलू राजू की एक वीडियो का नामे की खोज की गई थी जीके और परंपराओं की जेल की सजा सुनाई जाती है जबकि विकी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है फिल्म का संगीत जे मेयर की तरह तैयार किया गया था और जब फिल्म पाँच मई 2023 को रिलीज हुई थी फिल्म की स्ट्रीमिंग चौबीस सितंबर 2023 को नेटफ्लिक के माध्यम से शुरू हुई राम बनम को आलोचकों से मिली जुली से नकारात्मक समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता नयापति ने लिखा राम बनाम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और जो यह पेश करता है वह बिल्कुल उबाऊ है एक से तेईस तेलुगु ने पाँच में से पच्चीस दिए और लिखा राम बनाम एक नियमित वैसाही की पटबायलर है जिसमें कोई नयापन नहीं है गोपी चंद का प्रदर्शन पहले भाग में कुछ कॉमेडी दूसरी और एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा की प्लस प्लस लाइट के लिए एक ही दोनों की एक्शन दोषी फिल्म की एक मात्रा प्लस पाइट है द हिंदू के भवानु चंद्र ने लिखा कि निर्देशन त्रिवास की, की फिल्म की एक व्यवसाय की मनोरंजन को पैकेज करने की अपने प्रयास में विफल रही है केवल इसकी दिलचस्प कथाना की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए इसमें विचित्र चुटकुलों भी है सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरू कुरी ने पाँच में से पच्चीस स्टार दिए और लिखा हालांकि फिल्म के कुछ पहलू स्पष्ट के रूप से इस पक्ष में काम करते हैं चाहे वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किए गए तीन अविस्मरणीय की रोमांटिक नंबरों हो या इसके की गलत तरीकों से पेश किए गए विरोध राम बन भी भारी के रूप से लड़खड़ाते परपात संघर्ष या परिणामों को बिना अपने नायकों को ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल दूषित गुण के कारण ओ टी टी प्ले की त्रिवर्तन की नादा धूर ने पांच में से दु इस तारी और लिखा राम बनम एक थका हुआ व्यवसायी की मनोरंजन है जो शुरू में ही आसानी की सहानी है लेकिन मध्यंतर के बाद इसका उत्साह कम हो जाता है गोपी चंद की आवश्यक की प्रयास करते हैं लेकिन लेखन और निर्देशन जोश भरने के लिए बहुत कुछ नहीं करते है दो भाइयों के ईद गिर्द की एक ही आजमाए हुए और परखे हुए खाके में जीवन फिल्म कंपनियन की राम वेकन त्रिकर ने लिखा राम बनम के ऐसे कई नाटकी क्षणों की आवश्यकता थी जो पत्रों और नाटकी की कुम से परे हो एक बिंदु पर एक पत्र मजाक में प्रशंसकर्ता की राजा राम का घर एक शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह वा वास्तव में है कि एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है दूसरियों का मंचन फ्रेम में ऐसी अभिनेताओं की भरकर जो बमूसिकल एक स्वाद बोलते हैं कई दूसरी की दर्दनाक के रूप से कृत्रिमा बना देता है और गोपी चंद के लिए एक ही मालिनी की तरह निर्देशन के नोटिबल उनकी उल्लेखनीय कार्यों में जागियम की धारा गोपीचंद का जन्म आंध्र प्रदेश की प्रकाशन जिले की तंगूतूर के पास एक गांव में हुआ था यह फिल्म की नर्मदा टी कृष्णा की छोटी बेटी है और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह आठ वर्ष की थी उनकी स्कूल सिंह नील की डेस्पेरम की ओंगोल उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्णा मिशन स्कूल चेन्नई में, में हुई उन्होंने रोम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगेन किया और उनकी बड़े भाई प्रेमचंद्र मुथियाला सुबैया के आधीन एक सहयोगी निर्देशन थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू किया हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई गोपीचंद उस समय के रूप से थे और